ये वीडियो सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि कराची में से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से बीएस प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं और उनका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। मिडल वाला जो कॉलम है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस लिखी हुई है। इस फीस में एडमिशन फ़ीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह जो आपसे यूनिवर्सिटी एडमिशन के वक्त लेती है वो इंक्लूड है। और फिर सेकंड वाले कॉलम में आपको फ़ीस स्ट्रक्चर सेकंड सेमेस्टर से लेकर ऑनवर्ड्स यानी कि लास्ट सेमेस्टर तक जो 8th होता है उस तक के लिए है। तो जो प्रोग्राम्स हैं उसमें इंक्लूड है बीएस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर बीएस सिविल इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इनके फीस स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, सिविल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीएस आर्किटेक्चर एंड एनवायरनमेंट, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके फीस स्ट्रक्चर्स भी आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी, बीएस बायोमेडिकल साइंस, बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस डेटा साइंस, बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी और फिर बीबीए है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 साल का और 2.5 साल का। उसके बाद मास्टर्स है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे आप एमबीए कहते हैं। इन सब के फीस स्ट्रक्चर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और बीएस प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के और वीडियोस भी आपको मिल सकें।